हाउस टैक्स जमा ना करने वालों के पास सिर्फ कल का दिन बचा है। 1 दिसंबर से टैक्स जमा ना करने वालों को 1% पेनल्टी के साथ रकम जमा करनी पड़ेगी। इसके अलावा तकरीबन 3800 मकान मालिक ऐसे हैं जो बार बार नोटिस देने के बावजूद भी टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। निगम प्रशासन ने ऐसे मकान मालिकों की सूची तैयार कर ली है। नगर निगम अब इन मकान मालिकों के बिजली पानी का कनेक्शन बंद करने की तैयारियों में जुट गया है। नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स MC शिमला के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है और इसके अंदर जो हमारी कलेक्शन है वो भी बाय एंड लार्ज ठीक है। इसमें हमारी 85% रियलाइजेशन हो जाती है प्रॉपर्टी टैक्स की और कुछ एक जो डिफॉल्टर्स रह जाते हैं उनको हम नोटिसेज देते हैं। इसमें काफ़ी कलेक्शन तो हमारे इनिशियल पीरियड में ही हो जाती है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगर बिल इशू होने के 15 डेज के अंदर अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स तो 10% की रिबेट मिलती है। तो बहुत लोग तो ये रिबेट का फायदा उठाते हैं और उसी टाइम प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा देते हैं। तो कुछ जो हमारे डिफॉल्टर्स हैं और जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है उनको हम नोटिसेज दे रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 300 जो हमारे डिफॉल्टर्स हैं उनको हमने नोटिस दिया है और अगर वो डिपॉजिट नहीं कराएंगे आगे तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें सिविल कम्युनिटीज भी विड्रॉ हो सकती हैं अगर वो नहीं देंगे प्रॉपर्टी टैक्स और साथ ही उन्हें जो है पेनल्टी पड़ती है वो 1% के आसपास है जो उनको देनी पड़ती है जैसे जैसे वो डिले करें तो जाएगी। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट।